नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट विजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए जीके के सवालों की। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? अनुज लाल, विक्रम सेठ, विक्रम साराभाई या फिर आदित्य साराभाई। सही उत्तर है इसका विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जी को माना जाता है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। When did India test its first atomic bomb? भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974, 1981, 1976 या फिर 1969। सही उत्तर है इसका 1974। 1974 में भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। अगला सवाल है, हाउ मैनी आउटपुट पोर्ट्स आर देयर इन पेरीफेरल इनपुट आउटपुट। पेरीफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 264, 256, 24 या फिर 128। इसका सही उत्तर है 256। 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट में आउटपुट पोर्ट होते हैं। विच इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग या फिर उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। सही उत्तर है इसका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। हु प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रिमोट लॉगिन ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है टेलनेट। टेलनेट कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत कितनी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? 10, 5, 4 या फिर 8। सही उत्तर है इसका 8। भारत को 8 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत की रैंक कितनी है दुनिया में? 5, 7, 11 या फिर 9। सही उत्तर है इसका 5। अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत की दुनिया में रैंक है 5। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, नवाब सैयद, मोहम्मद बहादुर, दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। When is the World Book and Copyright Day celebrated? World Book and Copyright Day कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 13 मई, 27 अप्रैल या फिर 19 जनवरी। इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को मनाया जाता है World Book and Copyright Day। Which of the following is not a component of computer? कंप्यूटर का इनमें से कौन सा घटक नहीं है? तो मेमोरी, CPU और ALU ये कंप्यूटर के घटक है, कागज कंप्यूटर का घटक नहीं है। What is the full form of WCCB in context of environment and forest? पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो WCCB का पूर्ण रूप है Wildlife Crime Control Bureau। Which country ranked first in world according to the 2020 Human Development Index? 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? नॉर्वे, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर USA। सही उत्तर है इसका नॉर्वे। 2020 के मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर रहा था। Which of the following is include third tropic level of food chain? खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? शीर्ष उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में शामिल होता है। अगला सवाल है, भारत ने 2017 में विवादित किसके संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद अपने पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके विवाद के संदर्भ में भारत ने बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद अपने पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी?
सही उत्तर है इसका यूनिसेफ। यूनिसेफ का गठन किया गया था। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है, संगमरमर, जिप्सम, खड़िया या फिर हीरा? तो सही उत्तर है इसका हीरा। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार कर लिया गया था? 10, 14, 12 या फिर 11? तो सही उत्तर है इसका 11। ड्यूरिंग विच 5-ईयर प्लान डिड इंडिया ऑफ फॉर मिक्स इकोनॉमी, भारत ने किस पंचवार्षिक योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? पहली पंचवार्षिक योजना, दूसरी पंचवार्षिक योजना, चौथी पंचवार्षिक योजना या फिर तीसरी पंचवार्षिक योजना? सही उत्तर है इसका दूसरी। दूसरी पंचवार्षिक योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है, विच सिटी इज नॉट पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवे नेटवर्क, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ दिस फोर कंट्रीज विल होस्ट एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन 2023, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर भारत? तो सही उत्तर है इसका चीन। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया है? इंदिरा आवास योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना या फिर राजीव आवास योजना? तो सही उत्तर है इसका इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास को पुनः संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया। व्हेन वॉज रोलट एक्ट पास्ट, रोलट एक्ट कब पारित किया गया था? 1920, 1919, 1921 या 1922? सही उत्तर है इसका 1919 में रोलट एक्ट पारित किया गया था। अगला सवाल है, विच स्टेट इज मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। व्हाट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड, धन आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है इसका धन आयन, धन आवेशित आयन को धन आयन कहा जाता है। When is the पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई, 24 अप्रैल, 4 जून या फिर 10 अप्रैल? इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। Who led the non-cooperation movement in 1920 to 1922, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? सही उत्तर है इसका महात्मा गांधी। हु फाउंडेड इंडियाज ट्राई फेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर होमी भाभा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम या फिर के कस्तूरी रंगन? सही उत्तर है इसका डॉक्टर होमी भाभा। नेम द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 287, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है? तो सही उत्तर है इसका क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। अगला सवाल है, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। What is the main reason for Gandhi ji to suspend non-cooperation movement in 1922? 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगाई गई थी, ये इसका कारण था।
अगला सवाल है, डिसीजेज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉज बाय विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण से होते हैं? तो इसका सही उत्तर है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से होते हैं श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।